हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम आज बात करेंगे कि अगर आपकी ब्रेस्ट का साइज़ कम है तो आप उसको किस तरह से बढ़ा सकती हैं और सही शेप में ला सकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ब्रेस्ट साइज़ है वो ठीक से बढ़े और सही शेप में आए, तो आपके लिए वीडियो देखना ज़रूर बनता है। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे मेन पॉइंट होता है हमारा डाइट। अधिकतर जो बहुत पतली लड़कियां होती हैं उन्हीं में जो उनका ब्रेस्ट साइज़ होता है उनमें बहुत स्मॉल देखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना वेट बढ़ाना है। आप रोज़ सुबह 1 कप सोया मिल्क लें, उससे आपका हेल्दी फैट बढ़ेगा। और ये जो आपके ड्राई फ्रूट्स हो जाते हैं, अखरोट, बादाम, किशमिश, पिस्ता, ये सब आपको अपनी डाइट में ऐड करना है। जो हाई प्रोटीन डाइट है वो सब ऐड करनी है। ठीक है, तो आपको हेल्दी फूड खाना है और हेल्दी फैट बढ़ाने के लिए आपको डाइट लेनी है। ऐसा नहीं आप ऑयली फूड खा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये तो आपका हेल्दी फूड हो गया, इसके साथ आपको एक्स्ट्रा क्या करना है? आपको ये जो मैं आपको ये एक टिप बताने वाली हूँ बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ये आपको ज़रूर करना है। ठीक है, आप रोज़ आपको क्या करना है, सोने से पहले रात को 1 गिलास पानी में आप 1 चम्मच मेथी और 1 चम्मच सौंफ ये आप डाल देंगे और इसको रात भर रखा रहने देंगे। इस पानी को सुबह में आप देखेंगे थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है इसका, तो आप इसको स्ट्रेन कर लेंगे और ये जो सिंपल पानी बचा है इसको आप पी लेंगे, क्योंकि इसमें आपके मेथी और सौंफ दोनों के गुण आ जाते हैं। ठीक है, वो इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ये जो दोनों आपकी स्पाइसेस हैं, मेथी और सौंफ, ये आपके शरीर में जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है उसको प्रमोट करता है और ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी ब्रेस्ट ग्रोथ के लिए। तो अगर आपके शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन सही बैलेंस में रहेगा तो आपकी जो ब्रेस्ट ग्रोथ है वो अच्छे से बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आपको करना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जो आपका ब्रेस्ट साइज़ होता है वो स्मॉल क्यों होता है, मैंने शुरू में नहीं बताया। इसके 2 मेन रीज़न हो जाते हैं। एक हो जाता है आपका जेनेटिक्स, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ही ऐसी रही है, सपोज़ कि आपकी माँ है, बहन है, आपकी फैमिली में नानी है, ये सब हैं, उनका ही ब्रेस्ट साइज़ कम है, तो वो अगर आप में भी आ रहा है तो आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। ये हो गया आपका जेनेटिक्स। ठीक है, एंड सेकेंड हो जाता है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपके शरीर में जो आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके ब्रेस्ट टिश्यू इम्प्रूव के लिए, अगर उसका इम्बैलेंस हो जाता है तो आपके ब्रेस्ट साइज़ कम हो सकते हैं। तो इस कंडीशन को आप ठीक कर सकती हैं। उसके लिए आपको कुछ कुछ ऐसी डाइट लेनी है जो आपके ईस्ट्रोजन को प्रमोट करे, जैसे कि मैंने अभी बताई, जो भी आपकी डाइट है आपको ऐड कर लेना है ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और साथ ही में जो मैंने आपको स्पाइसेस बताए हैं मेथी और सौंफ, वो बहुत ही अच्छे से प्रमोट करते हैं, आपके ईस्ट्रोजन को रेगुलेट करते हैं, तो ये आपको ज़रूर लेना है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मसाज। जो मसाज होता है वो भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है आपके ब्रेस्ट ग्रोथ के लिए। एक्चुअली क्या होता है, जब आप मसाज करते हैं तो उससे आप जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसमें इंक्रीज हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन, और अगर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज है तो जो आपके हॉर्मोन्स है जो आपके शरीर में प्रोड्यूस हुए हैं वो अच्छे से आपके जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसमें उनका सर्कुलेशन होता है, वहाँ तक अच्छे से पहुँचते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका ज़रूरी हो जाता है मसाज। और मैं यहाँ पर एडवाइस करूँगी, आप मसाज करने के लिए ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकती है। उससे क्या होता है, आपके जो स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, फर्मनेस देता है आपके ब्रेस्ट टिश्यू को। ठीक है, अदरवाइज़ आप इसकी जगह कोई भी ऑयल ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें अगर आप ऑलिव ऑयल लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। हमेशा ध्यान रखें इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी। ठीक है, आपको बाहर से कवर करते हुए अंदर की तरफ उसको अपलिफ्ट करना है, जिससे आपकी जो ब्रेस्ट है उसको सही शेप मिलेंगे। ठीक है, ये अब हम बात करते हैं कि मसाज आपको करना किस टाइम है और कैसे करना है। तो जब आप नहाने जाती हैं उससे आप 10 मिनट पहले दोनों आपके ब्रेस्ट टिश्यू पे 5-5 मिनट के लिए आप मसाज कर सकते हैं, और उसके बाद आप शावर ले लें तो आपको स्टिकी भी नहीं लगेगा और आपका मसाज भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट हो जाता है आपका एक्सरसाइज। अब आपकी जो ब्रेस्ट है, हेल्दी डाइट ली, आपने मसाज भी कर ली, तो ब्रेस्ट का साइज़ जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो बढ़ गया, लेकिन उसका सही शेप में होना भी ज़रूरी है। मुझे इतना पता है एक्सरसाइज के नाम पे लोगों को बहुत आलस आता है, उनको एक्सरसाइज नहीं करनी, सब कुछ करना है, सब कुछ कर लेंगे पर एक्सरसाइज नहीं करेंगे। मुझे पता है एक्सरसाइज के नाम पे लोगों को आलस आता है। एक एक्सरसाइज बताऊंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हो जाता है आपका पुशअप्स। अब ये मुझे पता है कि आपने जैसे सुना होगा पुशअप्स आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जो पुशअप्स हो जाते हैं आपके, ऐसा नहीं बिल्कुल ही जैसे बिल्कुल फर्स्ट प्लेट ही वो वाले करने हैं, आप उसकी सिंपल टेक्निक से अगर आप वो भी ऐड कर देते हैं साथ में तो उतना सफिशियंट हो जाता है।
तो आपको इस तरह से पुशअप्स करने हैं जैसे मैंने आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया है कि आपको इस तरह से कोई आपका टेबल है या बेंच है उस पर हाथों से सपोर्ट कर लेना है और फिर जो आपके फुट हैं वो पीछे एक साइड में इस तरह से फिक्स कर लेंगे दोनों को एक साथ। और जो इसमें अब आपको क्या करना है, जो आपका चेस्ट एरिया है उसको आप जो आपकी बेंच है या चेयर जिसका भी आप सपोर्ट है उसके पास में लाएंगे, जो आपकी एल्बो है उसको फ्लेक्स कर सकते हैं पास में लाएंगे और फिर उसको वापस ले जाएंगे, ठीक है। आपको नीचे फर्श पे लेट के पुशअप्स लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है इट्स वेरी डिफिकल्ट, हर एक इजीली नहीं कर पाता है, बस सही शेप मेंटेन करने के लिए आप इसको ऐसा कर सकते हैं और ये ईजी हो जाता है। अधिकतर देखा गया है जो फीमेल्स बहुत पतली होती है उनका ब्रेस्ट टिश्यू कम डेवलप होता है, ठीक है। उनको बोला जाता है कि आप हेल्दी फूड खाओ या फिर अपना थोड़ा सा वेट गेन करो, तो उनकी कंप्लेंट होती है कि हमारा तो वज़न ही नहीं बढ़ता, हम कुछ भी खा लें। तो उनके लिए मैं एडवाइस करूँगी, आपको सुबह उठकर 2 ग्लास पानी पीना है, उससे क्या होगा, हल्का गर्म पानी पीना है, उससे आपके शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है और जो भी आप फूड खाते हैं उसमें जो भी हेल्दी चीज़ें हैं चाहे आपके विटामिंस हैं मिनरल्स हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे आपके शरीर में, ठीक है। तो उससे आपका वेट बढ़ना शुरू होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते हैं कि हम तो कुछ भी खाते हैं हमारे शरीर को लगता ही नहीं, तो आप ये चीज़ फॉलो करके देखें आपके शरीर को डेफिनेटली लगेगा। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे कुछ 3-4 पॉइंट्स, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आप अपने ब्रेस्ट टिश्यू को 100% डेवलप कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और साथ ही में जो लगा हुआ बेल बटन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिए क्योंकि अगर आप उसको क्लिक करते हैं तभी आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे, ठीक है। आपको पता चलेगा कि आज मैंने कौन सी वीडियो अपलोड किया है, ठीक है, आपके पास सबसे पहले जाएगा नोटिफिकेशन। तो हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।